हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 875 पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर एक पार्ट के लिए आऊँगा और आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 3। तो मैंने सोचा पहले पार्ट 3 कर लेते हैं, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लेके आऊँगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि उस IAS कोड में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट चलिए पहले बिल्ड लोड को देखते हैं, मीन्स 875 पार्ट 3 को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, ये कौन सा वर्जन है? 875 पार्ट 3, 1987। ओके, अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ विंड लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए VB, बेसिक विंड स्पीड। हर एक सिटी का अपना अलग अलग बेसिक विंड स्पीड होता है। आप देख लीजिए आपका सिटी कौन सा है। देखिए आगरा, अहमदाबाद, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अजमेर, यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग सिटीज़ हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर देखूँ यहाँ पुणे की, तो पुणे का कितना बेसिक विंड स्पीड है? 39। लखनऊ, तो लखनऊ देखिए हमारे घर के पास है, तो लखनऊ का कितना बेसिक विंड स्पीड है? 47। क्या 47? 47 मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखिए विंड लोड जो होता है वो किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड। तो 47 मीटर पर सेकेंड। आप भी अपनी सिटी को देख सकते हैं, सिटी नहीं है तो आपके आसपास की सिटी का चेक कर सकते हैं। और पुणे का कितना है? 39 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। स्टेप फर्स्ट तो आपने चेक कर लिया बेसिक विंड स्पीड। सेकेंड स्टेप आपको चेक करना चाहिए डिजाइन विंड स्पीड, मतलब VZ। VZ का जो फॉर्मूला होता है K1, VB, K1, K2, K3। तो VZ क्या है? डिजाइन विंड स्पीड। विंड स्पीड को डिजाइन करने के लिए एट एनी हाइट। अगर ये आपकी बिल्डिंग जो है 10 मीटर के अंदर है, तब तो आप इजिली इस यही आपका बेसिक विंड स्पीड होगा। बट अगर आपकी बिल्डिंग 10 मीटर के ऊपर है, तो आपको यहाँ से VZ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो VZ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले K1 क्या होता है? रिस्क कोफिशियंट। K2 टेरिन कैटेगरी या टेरिन हाइट। और उसके बाद K3 टोपोग्राफी फैक्टर। तो मैं थोड़ा सा आपको डीप में समझाता हूँ VZ क्या है। VZ मीन्स सॉरी VZ तो आपको समझ आ गया, डिजाइन विंड स्पीड। एंड K1 क्या है? रिस्क कोफिशियंट मीन्स आप बिल्डिंग कितने ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हो। आगे मैं आपको दिखाता हूँ रिस्क कोफिशियंट। इसके बाद K2 मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आउटर साइड ऑफ द बिल्डिंग्स। आपके बिल्डिंग के बाहर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, दैट इज डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग K2 की वैल्यू भी दिखाऊंगा। K3 टोपोग्राफी फैक्टर, आपका जो बिल्डिंग है वो प्लेन पे है या किसी पहाड़ पे है, तो वो हम लोग क्या होता है, वो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट करते हैं K3। उसमें देखा जाता है कि आपका जो बिल्डिंग है वो 3 डिग्री के नीचे है, तब तो उसका वैल्यू 1 लेंगे, उसके ऊपर है तो 1.03 लेते हैं। तो आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं, पेज नंबर 8 पे आपको दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है डिजाइन विंड स्पीड का, तो आप बोलो VV K1 K2 K3। अब देखिए K1 आ गया यहाँ पे। K1 के लिए अब जैसे मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो देखिए यहाँ पे ऑल जनरल बिल्डिंग्स, तो ये क्या है? 50 ईयर के लिए डिजाइन करते हैं हमारा IAS कोड, राइट। टेम्परेरी शेड वगैरह को 5 साल के लिए डिजाइन करता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जो थोड़े दिन के लिए बनता है, दैट इज 25 ईयर। और जो ब्रिजेस और टावर वगैरह यूज होते हैं, ये वो होते हैं 100 ईयर के बनाए जाते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे कि मैंने अभी देखा कि 39 पुणे का बेसिक विंड स्पीड कितना है? 39। तो उसका K1 कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। अगर ब्रिज बना रहे हो तो 1.06। इसके बाद K2, K2 क्या होता है आपका? K2 आपका यहाँ से K2 यहाँ पे आपका रहेगा। K2 में आपको टेरिंग कैटेगरी, देखिए अलग अलग टेरिंग कैटेगरी है, ठीक है, आपका अलग अलग टेरिंग कैटेगरी रहेगा। अब आप देखिए कि आपके घर के बाहर अगर 10 मीटर तक की बाउंड्रीज है, तो आपका टेरिन कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट होगा। और मान लीजिए आप यहाँ पे आपका जो, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, इसमें स्ट्रक्चर क्लास होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये भी मैं अब थोड़ी देर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे हमारा वैल्यू क्या आ गया? ये 1। तो हमारा K2 क्या आ गया? हमारा 1। इसके बाद है K3। K3 मीन्स ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है K3। यहाँ पर टोपोग्राफी फैक्टर है अलग अलग। तो यहाँ पे टोपोग्राफी फैक्टर में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका डिग्री यहाँ पे देखिए ये है, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे? 1.2, अगर 3 डिग्री से ऊपर और 17 के नीचे है तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता है डिजाइन विंड प्रेशर, मतलब VZ। VZ क्या है? 0.6 VZ2। इसके लिए यहाँ पे पेज नंबर 12 पे आप जाके पढ़ सकते हैं, PZ = 0.6 VZ2। ये फॉर्मूला होता है VZ, अभी पीछे हम लोगों ने जो निकाला ये दैट VZ।
इसको यहाँ पर रख दीजिए, आपका ये वैल्यू निकल आएगा 0.6 आपके पास है ही। ओके, और यहाँ पे पीजेड क्या है, बिन प्रेशर इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एट एनी हाइट, एंड वीजेड क्या है, डिजाइन बिन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो लाइक कभी कभी बोलते हैं ना कि केवल हमारे मेंबर पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है एफ इक्वल टू सी पी ई माइनस सी पी आई ए पी डी। तो सी पी ई क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशियंट, सी पी आई क्या है, इंटरनल अंदर से कितना प्रेशर आ रहा है, ए क्या है सरफेस एरिया, और पी डी क्या है डिजाइन बिल्ड स्पीड। तो इसके लिए भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि फोर्स एक्टिंग अगर बिल्डिंग पे निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको ये याद करके जानना है। ठीक है, ये यहाँ पे जाइएगा क्लॉज नंबर 6.2.1 पे आप अच्छे से देख सकते हैं, जितना मैं बता रहा हूँ पार्ट थ्री में आपको बस उतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन होल स्ट्रक्चर, अभी तो केवल बिल्डिंग पे था, ये टोटल स्ट्रक्चर पे सी एफ ए ई पी जेड, अभी पीछे सी एफ निकाला, ए ई निकाला और पी जेड निकाला, तीनों को रख दीजिए, आपको पूरे होल स्ट्रक्चर पे कितना वेट आएगा, आपको प्रेशर कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग है 48 मीटर की, हाइट है 34 और विड्थ है 40 मीटर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लास की बात कर रहा था, इसमें जो सबसे बड़ा होगा, देखिए इसका लेंथ सबसे बड़ा है, इसको क्लास के लिए कंसीडर करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट में से जो जो सबसे बड़ा होगा उसको किसके लिए कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर क्लास के लिए। अब क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, 0 to 20 मीटर तक अगर है तो क्लास ए में आ जाएगा, 20 to 50 है तो क्लास बी में आ जाएगा, जैसे भाई हमारा क्लास बी में आ गया, और 50 के ऊपर आपका आ रहा है वैल्यू तो क्या होगा, क्लास सी में आ जाएगा। तो ये याद रखना है, लेंथ विड्थ हाइट में से जो बड़ा होगा उसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे लेंथ बड़ा है तो लेंथ को कंसीडर किया, लेंथ इस ग्राफ में आ रहा है, तो आपका ये किस में आ गया, बी में आ गया। ओके, लोकेशन पुणे है हम लोग ले रहे हैं, डिग्री 3 और 2 डिग्री तक है, 50 ईयर की लाइफ है इसकी, स्टोरी ऑफ हाइट, स्टोरी हाइट 3 मीटर एंड फ्रेम स्पेसिंग 4 मीटर है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, स्टेट प्रो में कैसे करोगे उसके मैं आपको स्टेप भी दिखा रहा हूँ आपको। 39 मीटर पर सेकेंड, वी आपका 39 है, आपने अभी अभी मैंने पीछे दिखाया था, फॉर्मूला दिखाया था वी वी के वन के टू के थ्री, के वन हमने लिया है 1, के टू लिया है 1.11 एंड के थ्री लिया है 1 क्योंकि 3 एंगल के नीचे है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 10 मीटर के लिए वी आपका इतना होगा, के इतना, के टू और ये इतना, तो ये कैलकुलेट होके आपका डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपको मैं इस तरीके से मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर 15 मीटर है तो आपके लिए ये देखिए सब फॉर्मूला ये और ये ऐसे चला जाएगा, 20 मीटर आपकी बिल्डिंग की हाइट है तो आपके लिए ये यूज़ करना चाहिए, 30 है तो ये, 34 है तो ये। स्टेट प्रो में कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, फिर आप जाते हो यहाँ पर डिफिनीसन देने के लिए, वहाँ पर आप लिखते हो कि कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर सारी रीडिंग पुट करते हो, ठीक है, और उसके बाद लोड कॉम्बिनेशंस लगाते हो, आपने अगर किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया है तो मुझे कमेंट करना, बताना सर मुझे स्टेट प्रो में भी करके दिखाइए, ये कॉम्बिनेशन लगाया, उसके बाद परफॉर्म करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि स्टेट प्रो में कैसे करते हैं, तो मैं स्टेट प्रो के लिए नहीं, ये मेरा मैनुअल था कि हम 875 पार्ट 3 को कैसे पढ़ेंगे, और ये पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख भी लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे स्टेट प्रो में भी सीखना है तो नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको स्टेट प्रो में भी बता दूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।